Assalamu alaikum, welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. 8615 Management Strategies in Educational Institutes, Unit 1, Introduction to Management. अब सबसे पहले मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट बेसिकली जो है ना वो फाउंडेशनल यानी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है और स्किल प्रोवाइड करती है ताकि किस चीज़ में जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मैनेज की जाए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए एक प्रॉपर वे से. ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली इस यूनिट के हैं वो यही है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके डिफरेंट कंसेप्ट जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो दिए, फिर इसका स्कोप और इसकी नीड क्या, जरूरत क्या पड़ी और इसका स्कोप क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस और एलोबरेट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इस यूनिट में. तो ये बेसिकली जो है ना इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब सबसे पहले कंसेप्ट क्या है जी मैनेजमेंट का एंड डेफिनेशन. मैनेजमेंट जो बेसिकली है इसको डिफाइन किया जाता है कि जी स्किल्स आर गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट का बेसिकली यही डेफिनेशन होती है कि दूसरों से काम लेना ही मैनेजमेंट है. तो जॉर्ज आर टेरी ने जो है ना एक स्पेशल इसकी डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट जो होता है वो डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्टिवेटिंग है और कंट्रोलिंग है. कि ये सारी चीज़ें करना, पहले आप प्लान करते हो, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, एक एक्टिवेट करते हो, देन और फिर एंड पे कंट्रोल करते हो और बताते हो कि जो परफॉर्म करते हो टू डिटरमिन एंड अकम्पलिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्स. आप लोगों को और रिसोर्स को यूज़ करते हो. इधर सी बात है, अभी आप देखो कि जो मैनेजर होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है वो खुद तो नहीं काम करती, वो दूसरों से काम लेती है. तो बेसिकली इसका यही मैनेजमेंट का पर्पज़ होता है कि आप चीज़ों को पहले प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और फिर एक्टिवेट करते हो और देन एंड पे कंट्रोल करते हो और देखते हो कि कितना जो है ना वो आपने ऑब्जेक्टिव को अकम्पलिश किया है, मुकम्मल किया है. अब फोर मैनेजमेंट के जो है बेसिकली चार इसके प्रोसेस हैं जिनमें सबसे पहले आता है कि प्लान करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना तरतीब के साथ, देन उस प्लान को एक्टिवेट कर देना और एंड पे कंट्रोल करना, देखना कि किस तरह चीज़ें हो रही हैं. मैनेजमेंट के अगर वर्ड को जो है ना ब्रेक डाउन किया जाए तो ये थ्री वर्ड हैं, मैनेज, मैन और टी. टी यानी टैक्टफुली प्रॉपर तरतीब के साथ. अब मैनेजमेंट के जो है बेसिकली फाइव कंसेप्ट हैं जिसमें सबसे पहला आता है जी फंक्शनल कंसेप्ट. फंक्शनल कंसेप्ट में बेसिकली यही है कि मैनेजमेंट ऐसे ही काम करती है जैसे इसके फंक्शन के लिहाज से, यानी ये टूवर्ड द गोल. फंक्शन क्या होता है, आप मैनेजमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करती है यानी प्लानिंग करती है, चीज़ों को एक्सिक्यूट करती है और कंट्रोल करती है, यानी पहले प्लान करती है फिर उनको तरतीब लाती है फंक्शन में और एंड पे कंट्रोल करती है अपने हिसाब से. तो बेसिकली ये फंक्शन कंसेप्ट है इसका. ह्यूमन रिलेशन अगर कंसेप्ट में देखें तो ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट में यही है कि ह्यूमन की जो एफिशिएंसी होती है गोल्स को अचीव करने के लिए, ह्यूमन को जो है वो यूज़ करना, यूटिलाइज करना लेबर को, ये सारा जो होता है वो ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट होता है कि ह्यूमन को इस लिहाज से परफॉर्म करने में डिफरेंट जो पीपल परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिविजुअल उनके साथ कोऑपरेट करना. लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट. तो मैनेजमेंट का जो बेसिकली ये एक पर्पज़ होता है कि एक तो ये लीड करते हैं लोगों को, जो एक सुपीरियर होता है यानी एक मैनेजर होता है, बाकी जो उसके नीचे लेबर या एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ये लीडरशिप एज अ लीड करता है और फिर डिसीजन काम कर डिसीजन मेकिंग इसकी पावर होती है. ये मैन ऐसा या मैनेजमेंट जो होती है वो डिसीजन मेक बनाती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाती है. प्रोडक्टिव कंसेप्ट, प्रोडक्टिव कंसेप्ट में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हांसमेंट है वो की जाए जिसकी वजह से जो है ना वो डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो हर फील्ड में जिस फील्ड में आप मैनेजमेंट कर रहे हो. इंटीग्रेशन जो कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन हो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी है और असेंशियल जो भी अचीविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब में काम किया जाए, इंटीग्रेशन यानी हो. नेक्स्ट है जी अगर बात करें, ये सारी चीज थे जी फाइव इसके कंसेप्ट. नेक्स्ट है अगर ओवरकम करें तो थियो जो हेमन था इन्होंने एक लीडिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, इनने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जी. इनके हिसाब से जो है ना वो मैनेजमेंट को थ्री बेसिक कंसेप्ट है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. उन्होंने कहा जी कि मैनेजमेंट एक जो है ना सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें सिक्वेंस है यानी तरतीब से चीज़ें होती हैं. जैसे उनने ऊपर जैसे मैंशन हो भी चुका है कि गोल्स वगैरह को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन जो है वो एक तरतीब के साथ अरेंज किया जाता है. ये वेरी सिंपल और ईजी होता है, एक तो अंडरस्टैंड करना, दूसरा फंक्शनल मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक एज अ प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं और तीसरा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के मतलब जो बहुत से जो है वो ऐसे शोबे हैं जहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर पढ़ाई जाती है जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स है, यानी लाइफ के हर स्फीयर में जो है मैनेजमेंट जरूरी है, तभी चीज़ें कंट्रोल होती है. मैनेजमेंट एज अ नॉन, मैनेजमेंट एज अ नॉन जो इन्वॉल्व होता है कि जिस चीज़ों को डिपार्टमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने में मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो होते हैं, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं. तो ये बेसिकली जो है ना वो एम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो हेरल्ड जो कोन्स था उनने जो है ना डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. के लोग ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में, जैसे आपको लेबर दिया जाए तो आपको कहा जाए कि आप मैनेज करोगे इन सबको. तो ये बेसिकली इनने पहले ये डेफिनेशन दी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है
जिसकी मदद से एक फन है, यानी जिसकी मदद से आपको जो लोग होते हैं मुयस्सर उनसे आप काम लेते हो। यही इन्होंने अपनी बुक में लिखा था मैनेजमेंट थ्योरी थ्योरी जंगल। दूसरे थे अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल, हेनरी फॉल ने कहा जी कि मैनेजमेंट जो होती है वो फॉरकास्ट करती है एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये सारी चीज़ें करने में, एक तो प्लान करने में, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और फिर कमांड यानी हुक्म देने में और फिर कोऑर्डिनेट करते और कंट्रोल करने में, ये सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करना होती है, मैनेजमेंट में आती है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में दी थी। तीसरा जी पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर ने कहा जी थी कि मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो मैनेज करता है बिजनेस एंड मैनेज मैनेजर्स एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क, कि वो सारी चीज़ें जो एक बिजनेस में होती हैं यानी वर्कर्स हैं मैनेजर्स हैं और जो जो भी ऑर्गन है एक बिजनेस के, वो सारे जो मैनेज करने में उन सबको तरतीब देने में मैनेजमेंट काम देती है। फिर मैरी पार्कर जो फॉलर्ट थे उनने कहा कि मैनेजमेंट आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, के लोगों से चीज़ें करवाना, ये जो होती है ये एक बेसिकली मैनेजमेंट है। अब मीनिंग अगर इसको देखें तो जब मैनेजमेंट को अगर एज अ नॉन लिया जाए तो ये रेफर करता है कि ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, के मैनेजमेंट जो है ग्रुप ऑफ मैनेजर्स है। अगर प्रोसेस के लिहाज से इसको डिफाइन किया जाए तो ये फंक्शन मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। मैनेजमेंट को अगर एज अ डिसिप्लिन लिया जाए तो ये बहुत सी फील्ड में काम करती है एज अ डिसिप्लिन के तौर पर, जिसमें 5M इसमें आते हैं यानी मैन वीमेन मनी मशीन मटेरियल मेथड एंड मार्केट, इन सब चीज़ों को ब्रिंग यूज करना और यूटिलाइज करना, सबको इकट्ठे करेंगे तो आपको मैनेजमेंट बन जाती है। अगर फीचर्स की बात करें मैनेजमेंट के जी, तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं इसमें सबसे पहले कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक तो कभी एंड नहीं होता, थिंग्स को दूसरों की मदद से जो है ना करना थ्रू पीपल्स, और साइंस और आर्ट दोनों इसमें आती हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है इन नेचर यानी हर डिसिप्लिन में तकरीबन ये आती है, जो भी हो लॉ हो पॉलिटिकल साइंस हो फिर सर्जरी हो मेडिसिन हो, इस तरह ग्रुप है, एक ग्रुप होता है एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, एस्टेब्लिश करता है प्रिंसिपल और रूल्स और फिर एडिट बाय नॉट रिप्लेस बाय कंप्यूटर, ये इंसान ही कर सकते हैं, कंप्यूटर से मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं किया जाता। सिचुएशनल है नेचर में, कि सिचुएशन के लिहाज से चेंज हो सकती है, नॉट नीड टू बी एन ओनरशिप, इसमें कोई ओनरशिप नहीं हो सकती। बोथ आर्ट एंड साइट जो है साइंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, परवेसिव है, इनटेंजिबल है, आप इसको टच भी नहीं कर सकते। फिर प्रोफेशनल अप्रोच है वर्क में और डायनामिक इन नेचर है यानी चेंज होती रहती है, डायनामिक का मतलब होता है कि ये वक्त के लिहाज से। अब कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस में यही है कि इसके जो फोर मेन फंक्शन थे, एक तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, ये चार जो इसके बेसिकली मेन जो फंक्शन है मैनेजर के, ये प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, फिर उनको जो है वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और एंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दूसरा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी लोगों से काम लेना, जो आपको वर्कर्स मिलते हैं आप उनको प्रॉपर जो है ना वो प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करते हो, उनको गाइड करते हो तो उनसे काम लेते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट, इसमें जो होते हैं वो रिजल्ट जो होते हैं वो इंक्रीज मार्केट शेयर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें होती हैं ना वो इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है और आर्ट भी दोनों, यानी आपको फन भी करना पड़ता है और उसके लॉजिक भी देखने पड़ते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी या नेचर, तकरीबन जो भी फील्ड्स हैं स्पेयर हैं साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी उन सब में ये इन्वॉल्व होती है। एक ग्रुप एंड इसमें एक ग्रुप होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है ना वो मैनेजमेंट को नहीं मैनेज कर सकता, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें लोग मिलजुल के काम करते हैं, टुगेदर ही वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फॉलोवर जो होते हैं वो फॉलोज एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और रूल्स, इसके मैनेजमेंट के प्रॉपर जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, डिसिप्लिन और कमांड दी जाती है ताकि जो है ना वो प्रॉपर चीज़ें हो सकें। एडिड बट नॉट रिप्लेस बाय कंप्यूटर, इसमें मदद कंप्यूटर से ली जा सकती है लेकिन कंप्यूटर से इसको प्रॉपरली रिप्लेस नहीं किया जाता, ये इसकी यूनिक फीचर्स हैं। सिचुएशन नेचर, सिचुएशन के लिहाज से ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है जो मैनेजमेंट होती है। नीड नॉट टू बी ओनरशिप, ओनरशिप की इसमें नीड नहीं होती, आर वन एंड द सेम, तो इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप अलग चीज़ है और जो है मैनेजमेंट वो अलग चीज़ है। बोथ आर्ट एंड साइंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, दोनों जो है कंडक्ट कर, बोथ आर्ट एंड साइंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं, तो ये कंप्लीट होती है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, तमाम जितने भी शोबे हैं इंस्टीट्यूशन हैं उन सब में जो होती है वो मैनेजमेंट नेसेसरी पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनमें चाहिए होती है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, आप इसको ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, बल्कि सिर्फ जो है ना आप इसके रिजल्ट देख सकते हो कि ये किस तरह के रिजल्ट हैं, गुड प्रोडक्टिविटी गुड प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छी जो है वो मैनेजमेंट है। प्रोफेशनल अप्रोच है इन वर्क, काम में प्रोफेशनली जो काम करने के लिए एक पूरा डेलीगेट है, लोग काम करते हैं ताकि अप्रोच की जाए, डायनामिक नेचर के लिहाज से ये काम के लिहाज से चेंज होती रहती है, इसलिए सक्सीड है, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू डील इन सब लिहाज से ये
चेंज होती है। नीड और स्कोप की बात करें तो सबसे पहले बात है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स के। ग्रुप के गोल होते हैं, या जाहिर सी बात है बिजनेस है या इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ गोल्स होते हैं, प्री डिटरमिन गोल होते हैं, इसलिए लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो होते हैं, और गोल जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम देती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम का मतलब होता है मॉडरेट यानी दरमियाने लिहाज से। तो ये बिल्कुल मैनर अभी से चीज़ों को जो है ना फिजिकली यूटिलाइज करती है, ह्यूमन रिसोर्स फिजिकली जो ह्यूमन रिसोर्स हैं और फिर फाइनेंशियली जो आपके पास बजट होता है आप उसको मैनेजमेंट में प्रॉपर वे से एक्सपोर्ट्स वगैरह या जो चीज़ें आप ऑर्डर करते हो, जो चीज़ें आप बाई करते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो, वो सारी उनमें बैलेंस रखती है। रिड्यूस कॉस्ट, बेसिकली जो इसका फंक्शन यही होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, चीज़ों को प्लान किया जाता है ताकि चीज़ों को आप मिनिमम जो है ना इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, यानी कम खर्चे में ज्यादा चीजें लीजिए, ज्यादा फायदा उठाया जाए। एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को साउंड बनाती है, उसको मजबूत बनाती है, स्किल देती है लोगों को, क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट करने में लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिलेशनशिप होता है वो कायम होता है, वर्कर के साथ जो होते हैं ना वो मिलकर काम करती है। एस्टैब्लिश यानी इक्विलिब्रियम, तोज़न बरकरार रखती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ये काम करती है मैनेजमेंट, ताकि जो है ना वो चीज़ों जो प्रॉपर वे से चलती रहें। फिर एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि चीज़ें जो होती हैं वो इफेक्टिव वे से होती रहें और सोसाइटी के लिए ये बेनिफिशियल भी है। सिग्निफिकेंस अगर मैनेजमेंट की एजुकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले तो एजुकेशन मैनेजमेंट है क्या, तो मैनेजमेंट जो एजुकेशन मैनेजमेंट जो फील्ड है जिसमें प्रैक्टिस किया जाता है कंसर्न विद ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिस की जाती है मैनेजमेंट की, उसको एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसके डिफरेंट जो होती है डेफिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट है। इस डेवलपमेंट ड्रॉन की जाती हैवीली ऑन सेवरल मोर फर्मली एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन, जिस तरह जिस सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल मैनेजमेंट में एजुकेशन, ये सारे इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट का बहुत नेसेसरी पार्ट है और कैरी किया जाता है। फिर बॉलम जो थे उनने एजुकेशन को डिवाइन किया, जी एजुकेशन मैनेजमेंट ऐसी होती है एन एग्जेक्टिव फंक्शन ऑफ फॉर कैरिंग आउट एग्रीड पॉलिसी, के एक पॉलिसी बनाई जाती है एजुकेशन की, उस पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए प्रॉपर काम में लाने के लिए मैनेजमेंट जो की जाती है उसको एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट को उसने एजुकेशन लीडरशिप से डिफ्रेंशिएट किया, उसने कहा कि अगर कोर में देखा जाए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वेयर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के, पहले तो जो लीडरशिप होती है वो बेसिकली सिर्फ पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, जबकि मैनेजमेंट प्रॉपर उस पॉलिसी को अमल में लाती है और उस पर काम करती है, उस लिहाज से लोगों को ट्रेन भी करती है मैनेजमेंट। फिर जो है ना अगर ये देखा जाए, न्यूमैन, क्लार्क और गेंटर ने जो थे ये कुछ लिखे थे कि जो मैनेजमेंट होती है ये पर्पस वगैरह जो गोल्स वगैरह होते हैं डायरेक्शन देती है, उन सब मैनेजमेंट जो होते हैं डायरेक्ट करती है अचीवमेंट करने के लिए, जो एजुकेशन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं लिंक पर देती है बिटवीन पर्पज एंड मैनेजमेंट इज क्लियर एंड क्लोज, देर इज नो डेंजर ऑफ मैनेजरलिज्म ए स्ट्रेस ऑन प्रोसीजर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन पर्पज एंड वर्च्यूज वैल्यूज, कि वैल्यूज पर जो होता है वो जो प्रेशर वगैरह होता है उसको वो खत्म करती है मैनेजमेंट जो होती है वो पोजेस करती है जी नो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स और वैल्यूज ऑफ इट्स ओन, इसके अपने को गोल्स वगैरह नहीं होते बल्कि ये परसुइट करती है जो एफिशिएंसी में भी मिशन स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बट दिस इज द एफिशिएंसी इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव विच अदर डिफाइन, जो अदर गोल वगैरह देते हैं जिन जो लीडर्स वगैरह गोल डिफाइन करते हैं एजुकेशन पॉलिसी में, उनको ये एजुकेशन जो मैनेजमेंट होती है उनको कंप्लीट करने में अकम्पलिश करने में हेल्प देती है। मैनेजमेंट जो होती है ये फील्ड होती है, फील्ड ऑफ स्टडी प्रैक्टिस वाज ड्राइव्ड फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये अप्लाई की गई है जी इंडस्ट्री में, कॉमर्स में और यूनाइटेड स्टेट में, सबसे पहले इसकी जो डिफरेंट थीरीज हैं वहीं से ओरिजिनेट हुई हैं, फिर मॉडल आया जी एजुकेशन सेटिंग्स का, फिर डिसिप्लिन को राइट ऑन जो है ना बहुत सी जगहों से स्कूल कॉलेज वगैरह में ये यूज़ भी की जाती है, मैनेजमेंट एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ाई भी जाती है। एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो होती है वो प्रोग्रेस हुई है न्यू फील्ड एज अ न्यू फील्ड इमर्ज हुई है, क्योंकि इसमें एम्पेरिकल डाटा वगैरह और एजुकेशन को प्रॉस्पेरिटी के लिए, वैलिडिटी एजुकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर वन स्टैंड ओपिनियन की बात करें तो जनरल जो मैनेजमेंट है वो अप्लाइड की जाती है तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स को एजुकेशन सेटिंग्स में, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल हो। टेकिंग अकाउंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस आउटसाइड एजुकेशन अपीयर्स अनकंटेंशियस, बट इट अज्यूम दैट डेफिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस वाज वाइडली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, के इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कहता है कि बेस्ट डेफिनेशन यही एक्सेप्ट की जाती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो गोल्स वगैरह को अचीव करने के लिए चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उनको डायरेक्ट किया जाता है, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है फॉर्मल प्रोसेस है ताकि नॉलेज और स्किल को इम्पार्ट किया जाए, वाइडली नोन किया जाता है इसको एज एजुकेशन, लेकिन ये एक ईजी टास्क नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल डिफिकल्टीज वगैरह आती हैं एजुकेशन मैनेजमेंट को जो होता है वो प्रॉपर मैनेज करेगा। एजुकेशन मैनेजमेंट जो डील करती है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन
अफेयर जो होते हैं इन साइड अकेडमी, और इसमें नॉन टीचिंग अफेयर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स के टीचर के साथ, फिर स्टूडेंट्स के स्टाफ के हेड के साथ, मैनेज हेड स्टाफ का मैनेजमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, ये सारी जो होती हैं वे चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अगर मॉडल्स देखे जाए मैनेजमेंट के एजुकेशन में, तो ये कॉटबर्ट और जो बॉलमैन और डील्स ने जो होता है ना वो वेल मार्जिन अप्रोच, उन्होंने थीरीज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट और गाइडेंस के बारे में कहा, जिसको कॉटन से वो रिज्यूम करते हैं मॉडल 5 into groups, एनालिटिकली रेशनल प्रैग्मेटिकली रेशनल पोलिटिकल एज वेल एज जो मॉडल दैट पॉइंट आउट बिलिंगुलिज्म एंड फिनोमिनल एंड इंट्रैक्शन मॉडल्स, ये सारे मॉडल जो है ना इनने दिए थे। फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको बताए जाते हैं, उनको मैनर्स और वैल्यूज एफिशिएंसी कंसेप्ट दिया जाता है, ताकि वो चीज़ें मैनेज करने से उनकी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर होता है उस लिहाज से उनको डील करते हैं। 4 एस्पेक्ट्स हैं जी और स्कोप्स हैं इसके, स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सिंबॉलिकल और एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये जो है ना इसने दिए थे आपके पहले जो ये थे जनाब कॉट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी मॉर्गन, मॉर्गन ने ऑफर किया था जी मेटाफोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ही नेम्ड एज, इसने मैकेनिकल, ऑर्गेनिक और जो था वो कंटेम्पलेटिव, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड द लाइक, तो इसने कहा जी इंटीग्रेशन जो होती है इनके व्यूज की हैज रिलाइज्ड इन इंग्लिश थियोरेटिशियन ऑफ मैनेजमेंट एंड गाइडेंस इन एजुकेशन। टोनी बश ने जो है ना वो कहा जी के वेल नोन स्टडी थीरीज ऑफ एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 2003 में, कि इनने जो था ना ये नेम दिए थे इसको, मैकेनिकल है, ऑर्गेनिक है, कंटेम्पलेटिव है, कल्चरल है, पॉलिटिकल और लाइक है। ये फिर नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है एज वेल एज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ऑफ गाइडेंस। बच जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया जी क्लासिफिकेशन जो होती है इसके, 6 मॉडल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जिनमें फॉर्मल है, फ्रेंडली है, पॉलिटिकल है, सब्जेक्टिव है, बिलिंगुअल है एंड कल्चरल है, तो ये सारे इनने मॉडल्स दिए थे। अगर फंक्शन देखे जाए मैनेजमेंट के, तो फंक्शन अर्ली मैनेजमेंट जो होता है और स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसमें देखा जाए तो ऑल दो जो होती है वो ग्रेट फीट्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट सच एज इजिप्शियन पैरामिड्स, के इंसानों की बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो इंसानों ने चीज़ें मैनेज की हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिवेलप कर ली हैं, जिसमें इजिप्शियन जो मिस्र में वो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, एहराम में मिस्र जिनको कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर कोलोसियम इन रोम और ताजमहल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बनी होती हैं, लेकिन फिर भी जो क्या है कहता है कि एंटरप्रेन्योरियल कैपिटलिज्म टू अर्ली 20th सेंचुरी, मैनेजरियल कैपिटलिज्म, ये चीज़ें जो है ना वो आई हैं, जिनमें गैप जो था ना वो बड़ा गैप पड़ गया, क्योंकि मैनेजमेंट जो थी वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई है न्यू, जिसने चीज़ें मैनेज करना सिखाया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वन ऑफ दी अर्ली जो पायनियर थे मैनेजमेंट थ्योरी के वो फेडरिक डब्ल्यू टायलर थे, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बिलीव करते थे कि मैनेजमेंट टास्क एग्जीक्यूटिव जॉब को प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए वर्कर्स को, ताकि वर्कर से अचीव करने के लिए हायर प्रोडक्टिविटी वर्कर से लेने के लिए, उन्होंने ये काम वो एक मेडिवल स्टील कंपनी में काम कर रहे थे फिलाडेल्फिया में अमेरिका में, यानी वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें देखी और उन्होंने बेसिकली इसे कहा कि ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है चीज़ों को मैनेज करना और काम लेना। कंट्रीब्यूशन अगर देखी जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो होती है ना वो फास्टर होती है, जल्दी से असेंबली किया जाता है, लाइन पोर आउट फिनिश प्रोडक्ट फास्टर देन टायलर कुड नेवर हैव इमेजिन, तो उसने कहा कि जब चीज़ों को मैनेज किया जाए प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से एक लॉजिकल ऑर्डर में, तो चीज़ें जल्दी से हो जाती हैं। मेडिकल जैसे वो कहता है कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग सर्जन की, अगर ट्रेनिंग उनको की जाए, फास्ट फूड डिलीवरी कैसे प्रॉपर टाइम से पहुँचती है, अगर उस वहाँ पर हर चीज़ मैनेजिंग की जाए, तो लिमिटेशन भी कुछ इसकी होती हैं, कुछ हदूद भी हैं, कि एक तो चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फास्टर लेवल पे भी जो होती हैं वो इसके नुकसान भी होते हैं, तो इसलिए वर्कर्स और कुछ कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट की वजह से जो होते हैं वो वर्कर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में देखें तो जो होता है ना वो अटलांटिक ओशन जो जेम्स कॉर्ली फॉयल थे वो, उनने फॉयल इंजीनियर और मैनेजर जो ग्रुप था फ्रेंच माइंस में, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये एक एक्टिविटी या कॉमन जो ऑल ह्यूमन को अंडरटेक करनी चाहिए बिजनेस में, स्कूल्स में, और इसके बेसिकली ने 5 बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बताया कि एक तो चीज़ें प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, कमांडिंग करें और कोऑर्डिनेट करें और कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें इनसे जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन होती है और ज़्यादा ज़्यादा जो है वो चीज़ें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो थी वो मैक्स वेबर ने दी थी, वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्हें कहा जी के मैनेजमेंट जो होती है ना फोकस करती है स्ट्रक्चर पे, हायरार्कीज पे, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लोग लीगल अथॉरिटी मिल जाती है और फिर चीज़ें मैनेज करना इजी हो जाती है बेस्ड ऑन पोजीशन के लिहाज से, कि जो बंदे को पोजीशन दी जाए उस लिहाज से उसे उसके पास कुछ जो है ना वो अथॉरिटी होती है, वो उस अथॉरिटी को यूज़ करके इजीली चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें जो एल्टन मायो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, जिन्हें पीपल ओरिएंटेड इसकी दी के उसमें लॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जिन लोगों का लोगों के साथ रिलेशन, या जो मैनेजमेंट का लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है, मूवमेंट होती है,
इस सारे को इसमें डील किया जाता है। इसमें पर्सनल सब्जेक्टिव सारी चीज़ें जो थी प्रोडक्टिव यानी वर्कर का आपस में रिलेशन, फिर वर्कर का मैनेजमेंट के साथ रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो थी वो डील की जाती हैं। फॉयल्स का जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन के लिहाज से उसने कहा था, उसने चीज़ों को कहा था कि ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रॉपर प्लान करने से, ऑर्गेनाइज करने से, फिर इंप्लीमेंट करने और कंट्रोल करने से चीज़ें होती हैं। उन्हें अपनी इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल में थ्री दी थी बिजनेस की, जिन्होंने फाइव प्राइमरी फंक्शन बताए थे जी, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फाइव फंक्शन के अंदर टू फॉरकास्ट एंड प्लान, एक तो चीज़ों को जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करना, फॉरकास्ट करना, बताना कि कैसे जो है चीज़ें अच्छे से होंगी, उनकी प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी प्लानिंग, फिर जो ना प्लानिंग आपने किस तरह करनी है, उन सबको ऑब्जेक्टिव पहले गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्रॉपर चीज़ों को डिटरमिन करते हो, उनकी पोजीशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर लिंक बनाते हो गवर्नेंस और मैनेजमेंट के कैसे आपने चीज़ों को पहले गवर करना और फिर मैनेज करना है ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। टेक्टिकल प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग में उन्हें इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग दैट इज डिजाइन टू डिवेलप रिलेटिवली कंक्रीट एंड स्पेसिफिक मीन टू इंप्लीमेंट, ताकि स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि चीज़ों को प्लान करने के लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग में उन्होंने कहा जी के शॉर्ट जो रेंज प्लानिंग है उसको डिजाइन करें ताकि डिवेल्प किया जाए स्पेसिफिकेशन स्टेप, ताकि सपोर्ट मिले जी टेक्निकल प्लानिंग को। फिर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के टर्म जो फोकस करती है जी के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं प्रोजेक्ट के, और फिर प्रोग्राम क्रिएट करें ताकि डिलीवर किया जाए, देन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें एक प्रॉपर वे के साथ। देन जो स्ट्रक्चर है आज की जी वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जी एथिकल और कल्चर वेज के लिए, फ्रेमवर्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए, अकाउंटेबल होती है गवर्निंग बॉडी फॉर द एक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी होता है कि वो अकाउंटेबल होती है, उसमें जवाबदेही करनी होती है। कमांड और डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे मातहत होते हैं उन सबको वो कमांड भी करे और डायरेक्ट भी, यानी उनको डायरेक्शन भी दे के किस लिहाज से उन्हें काम करना है। फिर ये इसमें इन्वॉल्व होता है कि इन्फ्लुएंस करे अदर्स को ताकि अटेनमेंट की जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की। देन टू कोऑर्डिनेट, दूसरों के साथ मिल के काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, वर्क टुगेदर करें एफिशिएंटली ताकि इफेक्टली काम हो। टू कंट्रोल, मैनेजर जो होता है वो कंट्रोल करता है, फीडबैक लेता है, अश्योरेंस करता है कि जो काम है वो सही कर रहा है, अकाउंटेबल चीज़ें होती हैं ताकि वो जवाबदेही होगी तभी जो है ना वो लोग अच्छे से काम करेंगे। फॉयल्स के प्रिंसिपल अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो इसने जो प्रिंसिपल के मैनेजमेंट थे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, जिस तरह उसने कहा जी के एज एडम स्मिथ जो था, एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा जी के साइंटिफिक मैनेजमेंट और लेबर टाइबर जिन चीज़ों को जो होता है वो डिफरेंट, उस लिहाज से उनको काम देना, डिवाइड कर देना ताकि इजीली हो जाए एक जो सेल्फ मैनेज वर्क ग्रुप, तो वर्क ग्रुप इजीली मैनेज हो जाता है। अथॉरिटी, अथॉरिटी का यूज़ किया जाए प्रॉपर, यानी लोगों अपनी पोजीशन का जो ना वो प्रॉपर यूज़ किया जाए और लोगों को काम पे एक्सरसाइज किया जाए और रीइन्फोर्स या उनको पनिशमेंट या फिर उनको अवार्ड वगैरह दिया जाए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इससे मेंटेन किया जा सकता है कि अपने मैनेजमेंट के थ्रू आप चीज़ों में डिसिप्लिन रखते हो, उनके प्रॉपर इफेक्टिव के एज अ लीडरशिप जो होता है ना, जिस तरह चीज़ें प्रॉपर, ताकि जुडिशियस और पेनल्टीज उनको दी जाएं तो तब डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, आपको ऑर्डर, आप ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि जो एवरी एम्प्लॉय होता है वो रिसीव करता है ऑर्डर, तो जब ऑर्डर को रिसीव करेंगे आप प्रॉपर उनको एक ऑप्टिमम ऑर्डर देंगे और मुनासिब देंगे तो तभी वो काम हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन एक होती है, आपको डायरेक्शन का पता होता है कि आपने किस समत में लोगों को गाइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप फिर क्या होता है कि वो डेवलप होती है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, तो सबऑर्डिनेशन जितने लोग होते हैं वो नीचे मतहत, वो सारे मिलके जब काम करेंगे उनको अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, इफेक्टिव लीडरशिप इफेक्टिव मैनेजमेंट यही होती है कि वो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट है और इसमें उन्हीं का, उनका भी फायदा है, उनको भी जो है ना आप प्रॉपर वेज वगैरह देते हैं तो वो काम चलता रहता है। रेमुनरेशन यानी लोगों के जो वेज वगैरह है, जो पे वगैरह है, ये भी इस पर भी बात करती है मैनेजमेंट जो होती है, ये कंसेप्ट दिया जैसे गवर्नमेंट वर्क्स ने। फिर सेंट्रलाइजेशन, ये सेंटर के ऊपर जो होता है बेस होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग, फिर सेंट्रलाइज करता है चीज़ों को, डिसेंट्रलाइज करता है, क्वेश्चन जो होता है उनको प्रॉपर जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में उनको डील करता है, ऑप्टिमल सिचुएशन कायम रखता है। फिर स्केलर चेन है, एक पूरा जो होता है वो चेन बनता है जिसमें लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल, टॉप लेवल तक जो है ना वो कॉन्टैक्ट होता है। डिलेज चेन में जो होता है ना वो डिलेज, क्रॉस कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं कि कम्युनिकेशन होती है एक दोनों, ऑर्डर होता है फिर कि राइट प्लेस पर राइट टाइम पर जो है ना चीज़ें पीपल मटेरियल उन्हें प्लेस करनी होती है, इस लिहाज से वो ऑर्डर देते हैं। इक्विटी सब में जो होती है ना वो बराबर होता है, जितने ऑर्डिनेट हैं उनमें फेयर होती है, फेयरनेस होती है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होती। स्टेबिलिटी टू ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, लोगों के फिर जो टेन्योर होता है, टर्नओवर होता है, जो कुछ उनका जितना टाइम होता है वो उस लिहाज से वो फ्रीक्वेंसी वगैरह फील करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी स्टार्टअप करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, कैरी आउट करते हैं डिफरेंट प्लान्स वगैरह को ताकि जो है ना वो चलते रहें। एस्पिरेट द कॉर्प्स, टीम को जो होता है ना वो हारमोनी बरकरार रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और काम करने के लिए
प्रॉपर तैयार रखते हैं। हाउ मैनेजर्स विल वर्क, मैनेजर रियली काम कैसे करते हैं जी? अब मैनेजमेंट जो है ना, इसको फॉयल ने डिस्क्राइब किया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल मैनेजमेंट आर नॉट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियलिटी ऑफ मैनेजर जॉब। ये मैनेजमेंट जो है ये रियलिटी नहीं शो करती। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच फंक्शन जो मैनेजमेंट होती है वो प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, लीडिंग और कंट्रोल करना होता है। ये डिपेक्ट करता है जी क्वाटिक नेचर ऑफ मैनेजर वर्क इन पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बेसिकली इनकी एक्टिविटीज होती हैं, इंटरपर्सनल रोल्स कंसिस्टिंग ऑफ फिगर हेड लीडर एंड लायसेंस, ये बेसिकली इनका रोल होता है कि ये कंजिस्ट करते हैं। इंटरपर्सनल अगर बात करें इनकी तो वो फिगर हेड है, लीडर है और लाइसेंस है। इंफॉर्मेशन रोल अगर इनकी बात करें तो ये मॉनिटर होते हैं, डिसमिनेटर होते हैं, स्पोक पर्सन काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग में ये इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर हो सकते हैं, रिसोर्स एलोकेटर। ये यानी इनके बेसिकली तीन फंक्शन है कि ये इंटरपर्सनल रोल भी, इंफॉर्मेशनल रोल भी और डिसीजन मेकिंग रोल भी अदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन भी, एजुकेशन जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एवोल्यूशन इसका कब हुआ, कंट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरी का, और फॉयल का जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो डिस्क्राइब करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो जी। ये पहला यूनिट था, कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे यूनिट पे बात करेंगे। लाइक करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।